महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। नारायणपुर थाना अंतर्गत एक अपहरण का केस दर्ज हुआ था 29 जून को, और उसमें वादिनी रीमा देवी पति शशिभूषण पांडे के द्वारा एक FIR कराई गई थी कि उनकी पुत्री जो है शाम को मार्केट गई थी, और लेकिन उसके बाद से वो जो है मिल नहीं रही है, और उसके बाद 5524 एक कांड दर्ज किया गया था नारायणपुर में, और उसके बाद एक विशेष टीम गठित हुई थी थाना अध्यक्ष राकेश के नेतृत्व में, और टीम ने लगातार इसमें जो सूचना संकलन किया मोबाइल आदि की लोकेशन के आधार पर कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो लड़की है संभवतः किसी के जाल में फंसी हुई है, और ये दिलदार नगर जो गाजीपुर में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कहीं छिपा के इसको रखा गया है स्टेशन के पास में किसी कमरे में। तो तत्काल जो है थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा यहाँ से टीम रवाना होती है, और वहाँ से जाकर विधिसंगत कार्रवाई करते हुए लड़की को वहाँ से मुक्त कराती है, और इसमें जो तीन अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं जो संभवतः जालसाजी या फरेब करके संभवतः कोई गलत काम कराने के इरादे से जो है लड़की को ले जाके रखे हुए थे बंद करके, तो ये तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पहला जो है शीला देवी, और ये सकलडिया चंदौली की रहने वाली है। दूसरा राहुल कुमार, ये भी जमानिया गाजीपुर का रहने वाला है। और तीसरा सोनूलाल कश्यप, ये भी जो है दिलदार नगर गाजीपुर का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। प्राथमिक जांच में सब पता चला है कि संभवतः किसी और महिला जो यहाँ की लोकल है उसके माध्यम से कुछ खिला पिलाकर जो है बेहोश करके या ले जाया गया था, और संभवतः इनको आगे जो है किसी जाल फरेब में फंसा के आगे जो है कोई गलत गतिविधि में जो है डालने के फिराक में थे, लेकिन तत्काल जो है जो पुलिस ने इसमें सूचना संकलन करके इनको बरामद किया है। अभी माननीय न्यायालय में 164 ये संबंधित धारा में जो है बयान कराया जाएगा, और उसके बाद जो आगे की संगत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। नारायणपुर थाना अंतर्गत एक अपहरण का केस दर्ज हुआ था 29 जून को, और उसमें वादिनी रीमा देवी पति शशिभूषण पांडे के द्वारा एक FIR कराई गई थी कि उनकी पुत्री जो है शाम को मार्केट गई थी, और लेकिन उसके बाद से वो जो है मिल नहीं रही है, और उसके बाद 5524 एक कांड दर्ज किया गया था नारायणपुर में, और उसके बाद एक विशेष टीम गठित हुई थी थाना अध्यक्ष राकेश के नेतृत्व में, और टीम ने लगातार इसमें जो सूचना संकलन किया मोबाइल आदि की लोकेशन के आधार पर कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो लड़की है संभवतः किसी के जाल में फंसी हुई है, और ये दिलदार नगर जो गाजीपुर में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कहीं छिपा के इसको रखा गया है स्टेशन के पास में किसी कमरे में। तो तत्काल जो है थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा यहाँ से टीम रवाना होती है, और वहाँ से जाकर विधिसंगत कार्रवाई करते हुए लड़की को वहाँ से मुक्त कराती है। और इसमें जो तीन अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं जो संभवतः जालसाजी या फरेब करके संभवतः कोई गलत काम कराने के इरादे से जो है लड़की को ले जाके रखे हुए थे बंद करके, तो ये तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पहला जो है शीला देवी, और ये सकलडिया चंदौली की रहने वाली है। दूसरा राहुल कुमार, ये भी जमानिया गाजीपुर का रहने वाला है। और तीसरा सोनूलाल कश्यप, ये भी जो है दिलदार नगर गाजीपुर का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। प्राथमिक जांच में सब पता चला है कि संभवतः किसी और महिला जो यहाँ की लोकल है उसके माध्यम से कुछ खिला पिलाकर जो है बेहोश करके या ले जाया गया था, और संभवतः इनको आगे जो है किसी जाल फरेब में फंसा के आगे जो है कोई गलत गतिविधि में जो है डालने के फिराक में थे, लेकिन तत्काल जो है जो पुलिस ने इसमें सूचना संकलन करके इनको बरामद किया है। अभी माननीय न्यायालय में 164 ये संबंधित धारा में जो है बयान कराया जाएगा, और उसके बाद जो आगे की संगत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी।